हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 11.1 पे और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास दिया हुआ है कि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है। तो हमें क्या निकालना है, दिक् कोसाइन निकालना है ना जी, दिक् कोसाइन निकालना है। तो दिक् कोसाइन के लिए L बराबर हो जाएगा cos 90, एम बराबर में हो जाएगा यहाँ पर कॉस 135 और एन बराबर में हो जाएगा कॉस 45। तो कॉस 90 की बात करें तो 0, इसे हम लोग कॉस 90 और प्लस में 45 ले सकते हैं और एन बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ एम बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 45 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√2 हो जाएगा। तो हमारा जो दिक् कोसाइन जो है, दिक् कोसाइन जो है क्या गया, 0, माइनस का 1/√2 और 1/√2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2।